हाँ देखिए, बीपीसी कॉलेज के, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज जीडा के सच्चिदानंद राय आप लोगों को पढ़ाएंगे सम स्पेशल इंटेग्रल पर आधारित कुछ प्रश्न। अब जैसे प्रश्न यह है, इंटेग्रल ऑफ 2x+1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 dx, यह आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि अंश जो 2x+1 है उसको ए डी डी एक्स ऑफ हर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4x+3 प्लस बी इस रूप में तोड़ते हैं। तो 2x+1 इज इक्वल टू ए 2x+4 प्लस बी, दोनों पक्षों से x के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर। अब यहाँ देखिए, 2a इज इक्वल टू x का कोफिशियंट 2 है, a इज इक्वल टू 1, तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 रख दिया तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू -3। आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में 2x+4 -3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 डी एक्स बराबर इंटीग्रल में 2x+4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 डी एक्स -3 इंटीग्रल में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। देख लीजिए क्या करते हैं, फिर समझ लीजिए कि 2x+1 को हम ए और डी डी एक्स ऑफ हर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 प्लस बी, तो 2x+1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का 2x+4 प्लस बी, दोनों तरफ से एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर और अचर पद, एक्स का गुणांक है 2a/2 इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1, 4a+b इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 रख दिया तो 4 + b इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 1 - 4 = -3। आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x+4 - 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 डी एक्स बराबर 2x+4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। आई अब हमारा हो जाएगा i1 - 3i2। अब सबसे पहले हम i1 का मान ज्ञात करेंगे, तो 2x+4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 डी एक्स इज इक्वल टू 2x+4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 डी एक्स। माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 इज इक्वल टू टी, 2x+4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्वेश्चन यह हो गया हमारा कि इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी पर 1/2, टी बाई 1/2 को हम ऊपर ले जाएं तो बराबर हो जाएगा टी पर -1/2 डी टी। हम जानते हैं एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1
इज इक्वल टू टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। टू ऊपर चला जाएगा तो 2√t इज इक्वल टू 2√x² + 4x + 3। I2 इज इक्वल टू हो जाएगा dx, इंटीग्रल में dx अपॉन √x² + 4x + 3। अब इसको पूर्ण रूप पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर है, 4x है, अगर यहाँ 4 रहता तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता, तो 3 को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं 4-1 में, यह हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो बराबर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √x² + 4x + 4-1 बराबर इंटीग्रल में dx अपॉन √x + 2 का होल स्क्वायर -1² माना x + 1 2 = t, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब क्वेश्चन बदल कर इस रूप में हो जाएगा dt अपॉन √t² - 1² बराबर log, हम जानते हैं कि 1√x² - a² का होता है log x + √x² - a² इस फार्मूले पर रखने पर बराबर log ब्रैकेट में t + √t² - 1² बराबर log ब्रैकेट में x + 2 + √x + 2 का होल स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू log ब्रैकेट में x + 2 + √x² - + 4x + 3। I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 - 3I2 बराबर 2√x² + 4x + 3 - 3log ब्रैकेट में x + 2 √x² + 4x + 3 + c। आंसर हो गया यही आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1√3 sin x + cos x dx। अब देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे। मान लिया कि 1 = r sin θ, √3 = r cos θ, दोनों को वर्ग करके जोड़ें तो r² sin²θ + r² cos²θ = 1 + 3 = 4। sin²θ + cos²θ = 1, इसलिए r² sin²θ + cos²θ = 4 या r² = 4 implies that r = 2। sin θ = 1/2, तो θ = हो जाएगा π/6। अब हमारा आई क्वेश्चन इस रूप में हो गया 1/r इंटीग्रल ऑफ 1/sin x cos θ + cos x sin θ d θ इज इक्वल टू 1/r इंटीग्रल ऑफ 1/sin x + θ d θ इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ cosec x + θ d θ बराबर 1/2 log ब्रैकेट में tan x/2 + θ/2 (c). अब थीटा की वैल्यू यहाँ हम रख दे रहे हैं तो बराबर 1/2 इंटीग्रल ऑफ
बड़े कोष्ठ में टैन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई ट्वेल्व प्लस सी। यह रहा है आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन यह था आपका, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, माना वन बराबर आर साइन थीटा, अंडर रूट थ्री बराबर आर कॉस थीटा, दोनों को बर करके जोड़ा गया है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस थ्री। आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर या आर इज इक्वल टू टू। आई इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटीग्रल ऑफ वन साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन साइन एक्स प्लस थीटा डी। वन अपॉन साइन एक्स हम जानते हैं कि कोसेक एक्स होता है, यह बराबर हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स प्लस थीटा डी बराबर वन बाई टू लॉग ब्रैकेट में टेन एक्स बाई टू प्लस थीटा बाई टू प्लस सी या वन बाई टू लॉग ब्रैकेट में टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई ट्वेल्व प्लस सी। यह रहा आपका कंप्लीट आंसर। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस फाइव प्लस फोर कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू टेन के फॉर्म में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसी रूप में हम कॉस एक्स को तोड़ें यह बराबर हो जाएगा वन अपॉन फाइव प्लस फोर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा वह ऊपर चला जाएगा। अब फाइव से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। यह फाइव और फोर मिलकर हो जाएगा नाइन। फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में से फोर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू निकल जाएगा, यह बचेगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यह हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स वन एक्स बाई टू नाइन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, माना टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू डी टी। अब यह टू को बाहर ले लें तो इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हम जानते हैं कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ वन बाई थ्री आ जाएगा तो टू बाई थ्री टेन इनवर्स टी बाई थ्री प्लस सी बराबर टू बाई थ्री टेन।